नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। खबर है, केंद्र की मोदी सरकार ने नए साल के पहले बिहार को एक बड़ा तोहफा दिया है और इसका सीधा फायदा पटना और सोनपुर के लोगों को मिलने जा रहा है, क्योंकि गंगा नदी पर एक और नया पुल जो है उसके निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है और करीब जो है 42 महीनों में जो है ये 6 लेन का पुल जो है गंगा नदी पर बनके तैयार होगा और इस पर करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मोदी कैबिनेट की दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठक में आज नए साल के पहले बिहार को बड़ा तोहफा दिया गया है। इसके तहत अब गंगा नदी पर पटना में एक और जो पुल है उसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि इसके पहले न्यू गांधी सेतु जो ब्रिज है उसका निर्माण चल रहा है पटना शहर में, जो कि पटना के हाजीपुर, पटना को हाजीपुर से जोड़ेगा, तो दूसरी तरफ अब दिघा को सोनपुर से जोड़ने के लिए जेपी सेतु के समानांतर एक केबल ब्रिज जो है उसको बनाए जाने को लेकर के कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है और ये जो पुल होगा वो कुल 6 लेन का होगा। गंगा नदी में बनने वाले बड़े पुलों में से गिनती होगी, क्योंकि अभी तक जितने भी पुल बन रहे हैं वो या तो 4 लेन हैं या तो जो 6 लेन के पुल हैं वो प्रपोज हैं, लेकिन पटना शहर के आसपास के लिए ये पहला 6 लेन का पुल होगा जो कि गांधी सेतु के बराबर होगा और पटना के पश्चिमी हिस्से को जो है वो कनेक्ट करेगा सोनपुर से और एक बड़ी आबादी को जो है इसका फायदा मिलेगा। आप बता दें कि आज दिल्ली में हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में जो है इसका महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि इस पर करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। इसके पहले भी बिहार में जो है कई दूसरे बड़े पुलों पर जो है वो काम चल रहा है। बिहार की बात करें तो बिहार में 4 साल में कुल 18 पुल गंगा नदी पर जो है वो फंक्शनल हो जाएंगे। वर्तमान में जिन पुलों पर जो आवागमन जारी है उसमें से मोकामा राजेंद्र सेतु, विक्रमशिला सेतु, महात्मा गांधी सेतु, बक्सर में 2 लेन का पुल, जेपी सेतु व आरा छपरा पुल और मुंगेर रेल सह सड़क पुल शामिल है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई करीब 520 किलोमीटर है। 12 जिलों से होकर के बिहार में गंगा नदी जो है गुजरती है, जिसमें पटना एक बड़ा शहर है। इसके साथ साथ बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर व लखीसराय शामिल हैं। आपको बता दें कि अलग अलग पुलों के बनने से बिहार में संपर्क जो है वो बेहतर हो सकते हैं। आपको बताएं कि पुल बन जाने से एक तरफ जहां झारखंड, बंगाल और यूपी के साथ जो बिहार की कनेक्टिविटी है वो बेहतर होगी। इसके साथ साथ बिहार सरकार अपने खर्चे पर जो है 6 लेन का जो पुल है वो बिद्दूपुर से कच्ची दरगाह के बीच बनवा रही है और उसका काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। बता दें कि करीब 5,000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह पुल जो है करीब करीब जो है 10.5 किलोमीटर लंबा है और इस पुल को 16 जनवरी 2017 में इसका निर्माण शुरू हुआ। आपको बता दें कि इसके अलावा सुल्तानगंज से अगवानी घाट के बीच जो पुल बनाया जाना था वो पुल हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद पुल के निर्माण कार्य और उसमें जो जिस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था उसको लेकर के कई सारे सवाल खड़े किए गए। आपको बता दें कि इसके साथ साथ बख्तियारपुर ताजपुर पुल, बक्सर से भोजपुर के बीच 2.5 किलोमीटर लंबा पुल का निर्माण अभी चल रहा है। तो बता दें कि नए साल के पहले केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। गंगा नदी पर बनने वाले जो पुल हैं उनमें से एक और नाम जो है उसमें जुड़ गया है, जो कि पटना के दिघा से जो है सोनपुर को जोड़ेगा। आपको बता दें कि पूरी तरीके से जो पुल है वो केबल तकनीक पर आधारित होगा और ये पुल जेपी सेतु जो मौजूदा पुल है जो कि 2 लेन का पुल है उस पुल के ठीक सब जो बगल में वो बनाया जाना है। बता दें कि फिलहाल जो पुल है जेपी सेतु उसको बनने में कई साल लगे थे। इस पुल के बनने से पटना के पश्चिमी हिस्से की जो कनेक्टिविटी है वो आसान हो गई है। जो उत्तर बिहार है उस इलाके में गंगा नदी पर कई दूसरे महत्वपूर्ण जो पुल हैं उसका भी निर्माण चल रहा है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने चुनाव के पहले कह सकते हैं कि नए साल में बिहार को एक बड़ा तोहफा दिया है, जिसके लिए समय अवधि भी तय की गई है। कुल करीब 42 महीनों में ये 6 लेन का पुल बनकर तैयार हो गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।